देश में स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 बना है इंदौर, किंतु बहती ड्रेनेज शहर की स्वच्छता पर बट्टा लगा रही है। मोती तबेले में हरसिद्धि जोन से 100 कदम की दूरी पिछले कई दिनों से रहवासियों का बदबू और गंदगी से क्षेत्रीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। दरअसल निगम ने खान नदी में गिरने वाले आउटफॉल तो बंद कर दिए, लेकिन इस जगह पर ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो होकर बह रही है, जिसकी शिकायतें स्थानीय रहवासियों ने कई बार अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है और पानी सड़क पर ही बह रहा है। अरे फिर कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं आप, कैसे रह रहे हैं आप? अच्छा, ठेले से आना जाना कर रहे हैं आप लोग? तो आपने शिकायत वगैरह की गई? भी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, गेट बंद कर रखा पानी का, पानी ही नहीं कर रहा। अच्छा, आउटफॉल बंद कर रखा है? आउटफॉल बंद कर रखा है। वहाँ दिन अधिकारी भी आया था, जोन अधिकारी आया था, देख के चले गया। जोन अधिकारी आया, अरे इधर आओ, चार बैठा दो गली में से ये पानी इतना भरा गया, 15 दिन से कंप्लेन कर रहा, बड़े बड़े अधिकारियों को कर दिया, आके कुछ भी नहीं, बस जाते और चले जाते और घरों में पानी भरा दिया, बीमार दुखी हो रहा है निकलने का। हाँ, आउटवाल बंद कर दिया और चाबी सब बंद कर रखी है उन्होंने पूरे चैम्बरों की, और अभी तक के आ रहा है और जा रहा है, बस देख देख के और कुछ नहीं। अब समझ लो ये कहाँ तक का कार्रवाई करिए वो सामने। अब हम हमारे बच्चों को लेके कैसे निकलेंगे, उसको कोचिंग छोड़ना रहता है, स्कूल जाना रहता है, अभी यहाँ से हम कैसे लेके गाड़ी कैसे निकले, यहाँ पर पैदल जाने की दिक्कत हो रही, तो गाड़ी कैसे निकालेंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारे, छोटे छोटे बच्चे हमारे, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, और ऐसे में हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? यहाँ पर मलेरिया हो जाता है, ये इससे मच्छर हो रही, गंदगी हो रही जमाने भर की। पानी भराने की, यहाँ पानी भराने के बाद ये है कि आगे से बंद कर रखा है इन लोगों ने, और अब ये आगे से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अभी ये कितना गंदगी है आप देखो, ऐसे में कैसे इंसान रह सकता है यहाँ पर? हम लोग भी इंसान है, जानवर थोड़ी है जो इस गंदगी में रह रहे हैं। आपने शिकायत की थी कुछ? शिकायत की है, हमने जोन पे जाके कई बार शिकायत की है, जोन पे से कोई आता नहीं है, कोई अधिकारी देख के नहीं जा रहा है कि कैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। बड़े बड़े एरियों के हिसाब से रहता है ना, हम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ी स्वच्छता भारत, हमारे यहाँ ना झाड़ू लगती है, ना कोई झाड़ू लगाने वाला आता है, ना कचरा उठाने वाला आता है। ये देखो ना, अब ये स्वच्छता दिख रही है, ये स्वच्छता है, मतलब जो अच्छे घरों से, मतलब जो पॉश इलाके हैं वो स्वच्छ रहते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए ऐसा एरिया है। अब हमारे पास में इतना पैसा थोड़ी जो हम हमारे बच्चों को लगा सकें, अब इतनी गंदगी में हमारे बच्चे, हम लोग बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? अरे यहाँ पर पानी भरा रही है, आउटफॉल का सारा पानी इधर ही आ रहा है, आउटफॉल बंद कर दिया है और सारा पानी इधर आ रहा है, हमारे को ना बैठने की जगह, ना बाहर निकलने की जगह नहीं है, और नल में भी पानी लेटरिन का आ रहा है, पानी पीने की आफत हो रही है हमारे को, 8-10 दिन से परेशान हो गए हम, ना निकलने की जगह है, ना इतना घूम के जाना पड़ रहा है रोड पे से, और जोन पे भी 10 बार शिकायत कर दी हमने, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये अपने हरसद्धि जोन लगती है, शिकायत की तो क्या बोले, बोले कर रहे हैं बस यही बोल रहे हैं वो, तो रीजन क्या बता रहे हैं, आउटफॉल बंद हो गया नाले। हाँ, उधर से पानी बंद करा, एक महीने बात करेंगे, नई लाइन डालेंगे जब चालू होगा बोले, जब तक हम परेशान होते रहे क्या यहाँ पर? वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की नहीं, कुछ भी नहीं, आउटफॉल बंद कर दिया हम लोगों ने।
कहाँ का ये, कौन सा एरिया ये? झाड़ू वाली मोती तपेला 50/2, झाड़ू वाली गली।